बिहार की जातीय जनगणना पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, यूपी में भी होनी चाहिए जातीय जनगणना। पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की केंद्र से उन्होंने मांग की है। आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें सुर्खियों में हैं और कुछ पार्टियां आंकड़ों से असहज हो रही हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही है। बीएसपी के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। उन्होंने ट्वीट किया, बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में हैं तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। तो कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर है, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। ये ट्वीट किया है बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने। उन्होंने आगे लिखा ट्वीट करते हुए, बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी एसटी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। साथियों ने ट्वीट करते हुए आगे लिखा, वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए, किंतु इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना